विकास सिंह के आदमी है। यहाँ भोला सिंह को मारने के लिए यहाँ मन्नू सिंह है, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबरें मीडिया की सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब ये कि अनंत सिंह को जल्द गिरफ्तार करने की खबर को 100% सही नहीं माना जा सकता। दरअसल पटना से सटे बाढ़ में पंडारक निवासी भोला सिंह और उसके भाई मुकेश सिंह की हत्या करने गए तीन शूटर्स को बीते 15 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इन शूटर्स ने मोकामा विधायक अनंत सिंह पर सुपारी देने का आरोप लगाया था। विकास सिंह ने क्या दिया, कब दिया पैसा, कब का अच्छा, आज का अच्छा है, अच्छा क्या 2 लाख रुपया अनंत सिंह भेजा है। इसके साथ ही कुछ ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। हाँ हेलो जी, तो छोड़ा को ढेर क्रम में हुआ, तो सरकार जो शुरुआत देख रहे हैं जी, तो कर रहा है सरकार रहे तो वो कि हम तुमको देने के लिए तुमको छुपा के तुमको सरकार निकाल देंगे। इन ऑडियो में अनंत सिंह की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में खबर ये आई कि मोकामा विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में हमने इस मामले में पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा और बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह से बात की। पहले सुनिए क्या कह रही हैं एएसपी लिपि सिंह। एक्चुअली अभी 15 तारीख की रात्रि में हम लोगों को सूचना थी करीब 12 बजे के आसपास कि कुछ लोग जो है आपराधिक किस्म के घुसे हैं हथियारों के साथ। ये नहीं पता था कि किसकी हत्या के लिए, जो भी 3-4 टीम्स में हम लोग रेड कर रहे थे, तो एक जगह से हम लोग को सूचना मिली कि गांव वालों ने कुछ लोगों को पकड़ रखा है जो बाहर के हैं। वहां से जाकर के हमने भीड़ से छुड़ाया, सर्च करने पे हम लोग को हथियार वगैरह मिले और उन्होंने जो बयान दिया है उसके आधार पे मतलब एफआईआर दर्ज हुई है और बाकी सारा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो इसके अलावा तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी तो हम लोग सब पहलू की जांच करेंगे। साफ है कि लिपि सिंह ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। वहीं ग्रामीण एसपी का क्या कहना है उसे भी सुनिए। सर, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ है हत्या का प्रयास का। कुख्यात भोला सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया जी। 14 जुलाई को 3 अपराध कर्मियों को पंडारा थाना से पकड़ा गया था। अपराध सूचना मिली थी कि किसी बड़े अपराध की कोई अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुआ। इसमें 3 लोग हैं, गोलू कुमार बुद्ध कॉलोनी थाना से, मोहम्मद छोटू यही बुद्ध कॉलोनी थाना से, तथा छोटू और राजवीर कुमार पटना जिले से। तीनों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 1 विदेशी पिस्टल और 2 देशी कट्टा बरामद हुआ था। साथ ही 19 राउंड गोलियाँ भी बरामद हुई थी और इनकी पूछताछ करने पर पता चला कि ये भोला सिंह और उनके सगे भाई मुकेश सिंह की हत्या के इरादे से मारे गए थे। इसमें मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कुल 8 लोग नामजद हैं इस पूरे मामले में जी। अनंत सिंह के ऊपर भी FIR हुई जी। माननीय विधायक श्री अनंत सिंह का नाम भी इसमें आया हुआ है और हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं और अनुसंधान जो आएगा कार्रवाई की जाएगी। क्या अनंत सिंह से पुलिस पूछताछ भी करेगी इस संदर्भ में? FIR में नाम आ चुका है, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो उनसे प्रोसेस भी करें। ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि वो अनंत सिंह का ही आवाज़ और भोला सिंह के हत्या के जो योजना है उससे रिलेटेड वो ऑडियो। जो कथित ऑडियो मीडिया में चल रहा है उस पर हम विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कानूनी प्रक्रिया में उसमें NSL को भेजना पड़ता है सैंपलिंग के लिए, तो उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेके वो भेजा जाएगा और बहरहाल अब देखना यह है कि विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जारी जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। रिपब्लिकन ब्यूरो पटना।
रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।